एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा ने इस बार देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और हम एमपी की सभी 29 सीटें जीतेंगे। नगरीय प्रशासन, संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मंडला में भाजपा के बूथ विजय अभियान आकांक्षा संग्रहण अभियान की जानकारी दी। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता विकसित भारत के प्रति संकल्पित है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हम कार्यकर्ताओं को देश में 400 से अधिक सीटें जीतने की जवाबदारी दी है। इसके लिए कार्यकर्ता प्राणपण से जुट गए हैं। हमें विश्वास है कि हम मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेंगे और देश में भी हमारे पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम सामने आएंगे। मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल से 1 लाख, बड़ी मुश्किल से, यदि 1 लाख लोगों को जो वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, जो अपने धर्म और संस्कृति को बचा कर यहाँ रहना चाहते हैं, और कोई देश है नहीं जो इन लोगों को संरक्षण दे सके। भारत आपकी मौजूदा जी भाई है और उन लोगों को संरक्षण देने का काम किया। कैलाश विजयवर्गीय ने देश में सीए लागू होने के सवाल पर कहा कि सीए का हिंदू मुसलमान से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, यदि वो प्रताड़ित होने के बाद यहाँ आ गए हैं, अब वो वापस जाना नहीं चाहते हैं, उनको नागरिकता देना हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हम वहाँ के अल्पसंख्यक को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देशों के अंदर जो अल्पसंख्यक है, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यदि हम प्रताड़ित होने के बाद यहाँ आ गए, 2014 से यही रह रहे, वो वापस वहाँ जाना नहीं चाहते, तो उनको नागरिकता दे लिया। और उसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं, क्योंकि वहाँ के अल्पसंख्यकों को हम संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो इस इश्यू को डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का तो विषय नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।